नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर की 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त किया है। इसमें 200 एकड़ जमीन, एक कारखाना और कुछ फ्लैट शामिल हैं। खोदकर उद्धव गुट के नेता माने जाते हैं। ये कार्रवाई देर रात की गई। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ये दोपहर करीब 1 बजे हो सकती है। इस बीच शिवसेना ने 4 और बागी विधायकों के निलंबन के लिए उनके नाम महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास भेजे हैं। इससे पहले 12 के नाम पार्टी की तरफ से भेजे गए थे। सूत्रों के अनुसार डिप्टी स्पीकर ने पार्टी की अर्जी स्वीकार कर ली है। इन 16 विधायकों को आज नोटिस भेजा जा सकता है। इस नोटिस का उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा। वहीं आदित्य ठाकरे आज शाम 6 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। वे कुछ देर में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीपी कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएं। मैंने उनसे कहा था कि जो विधायक ऐसा करना चाहते हैं उन्हें मेरे पास लाओ। वहीं भाजपा, जिसने हमारी पार्टी, मेरे परिवार को बदनाम किया है, वही है जिसके साथ जाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। वहीं विधायक अगर वहां जाना चाहते हैं तो वे सभी जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। अगर कोई जाना चाहता है, चाहे वे विधायक हो या कोई और, आओ और हमें बताओ और फिर जाओ। इसके बाद ही उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं बेकार हूं और पार्टी चलाने में असमर्थ हूं तो भी मुझे बता दें, मैं खुद को पार्टी से अलग करने के लिए भी तैयार हूं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।